Good afternoon, everyone. How are you doing? I can see there are some people. Amla is here. Arya Bhavalkar is here. Kingshok is here. And Priya is here. Hello, everyone. How are you doing? Good afternoon, Riya. Hi, Amla. कोई आओ पैनल पे आओ यार, आई वॉन्ट टू सी यू गाइज, ऐसे भी इतने कम लोग हो, मजा आएगा ना। आई कैन सी यू देन आई कैन नो, किंतु आ रहा है समझ में नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा है तो देन आई कैन प्ले इन बेड ऑफ। तुम्हारे स्कूल में करंट इलेक्ट्रिसिटी से चालू किया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से? हाय जसलीन, Javi says electrostatics, Riya says current electricity. Okay. Hi, Jasmine. A lot of people are joining. Amla, Arya, Jaiveer, Jasmine, Jasmine, Kingshuk, Riya, Siddharth. Hello, everyone. Good, 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 good. Panel pe aao na. Come on, video. Or otherwise, you know, I'm going to unmute everybody and let me just hear everyone's voice so that at least we are connected on voice. Okay, so everyone unmute and then I'll ask your name, I'll tell your name, and then you have to say on the mic whatever I ask. Okay, I won't ask anything academic, or I might, let's see. So chalo karte hain, theek hai? Amla, come. Come, Amla. Hi, Ananya. Hi, Aryan. Aryan, aajo mic pe aajo. Unmute kiya hua hai. Come. But I unmuted everyone. Amla is saying unmute me. Theek hai, chalo, unmute Amla. Aise kiya, idhar se unmute kiya. Tum logo ko apni taraf se unmute karna padega na. Yes, sir. Done now. Okay. Hello, sir. Unmute. Hi, Amla. How are you doing? I'm good. Kaisa chal raha hai sab kuch? Good. कुछ और बताओ, मतलब गुड को छोड़ के और कुछ अच्छे से बताओ। क्या करते हो तुम लोग पूरा दिन? क्या करते हो? बोरिंग हो गया ना? हाँ, बोरिंग हो गया, राइट। ओके, तो क्या करते हो पूरा दिन? चलो रामायण देखते हो? ओके अनन्या, ओके ओके कम अमला, या तो अभी स्कूल चल रहा है क्या तुम्हारा? हाँ। अच्छा, कितने दिन चलता है, क्या टाइम है यार? इट्स ऑन ट्यूसडेज एंड थर्सडेज एंड फ्रॉम 9 to 12। 9 to 12, या ठीक है, मतलब काफी टाइम है यार तुम लोग को सेल्फ स्टडी करने के लिए, सो डोंट वेस्ट दिस टाइम, सेल्फ स्टडी करो, वर्कआउट करो, यू नो, डू अ वर्कआउट फॉर एन आवर और सो एवरी डे। देयर इज दिस कल्ट फिट का ऐप आई यूज, वेरी नाइस, इट ट्रैक्स योर बॉडी, गिव्स यू मोटिवेशन, वेरी नाइस ऐप। And you feel workout the burn is not at the end for of it. Me. I don't Why? Like workout. No. But there are different kinds of workout. There's cardio, there's yoga, there's dance, there's Pilates, there is core, there is shoulder, HRX, HIIT, all that. So you can try multiple, na. But usse kya hoega ki thoda adrenaline hoega na, to I think you will feel happy. You will feel good. And after that, take bath. You can try working out, or you can do something else that distracts you. Yeah. Gets your creative juices flowing. Okay. ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ाया है फिजिक्स में, उसको सब कुछ समझ में आ गया तुमको कि कुछ डाउट हो रहा है कहीं पे? Have you done exercises? No. नहीं किया, तो करो exercises.
अभी तो टाइम है, अभी अभी तुम कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद जब स्कूल खुलेगा, जब भी खुलेगा, सितंबर अक्टूबर सितंबर में जब भी, तो स्कूल की अपनी एक्टिविटीज रहेंगी, तो तब टाइम नहीं मिलेगा। आई थिंक नाउ यू शुड डू इट, एंड योर बैच इज द मोस्ट, इट विल बी द मोस्ट अफेक्टेड बैच, बिकॉज तुम्हारा ना एकेडमिक्स का कुछ अता पता है, ना तुम्हारे एग्जाम का कुछ अता पता रहेगा, सिलेक्शन कैसे होंगे कॉलेज की उनका कोई अता पता नहीं रहेगा। विल बी मोस्ट अफेक्टेड, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड कम्प्लीटली, है ना। तो अभी क्योंकि इतने सारे लोगों को घर पे बैठ के टाइम मिल रहा होगा, तो सब प्रिपेयर करेंगे, तो तुम अभी अच्छे से कर लो, डोंट वेस्ट दिस टाइम। ओके, ऑल राइट, हु शुड बी टॉक टू, कम जयवीर। कम जयवीर, लेट्स टॉक टू यू मैन, चलेगा? माइक अच्छे से काम नहीं कर रहा तो भी चलेगा। मीन वाइल जसलीन, जसमीन कम। हेलो सर, हाय, हाउ आर यू गाइस डूइंग? गुड सर। ओके, ओ इधर ओ चल रहा है ऐसे, या का सॉन्ग, या साथ में बैठे, इसलिए या इट्स ऑटोमेटिक इको, वेरी नाइस, बट इट्स प्रीटी नाइस, ग्रूवी स्टफ है ना। ओके, ऑलराइट, सो हाउ आर यू गाइस कीपिंग योरसेल्फ सेन? We dance every day. Achha. And work. Very nice. You work out? Yeah, not proper workout, but dance. Sometimes. यार लेकिन तुम लोग इतने दुबले बदले हो वैसे ही, तो तुम लोग को इनपुट ज्यादा लेना पड़ेगा ना फिर, अगर तुम इतनी मेहनत कर रहे हो तो। ये डांस वगैरह तो बहुत कार्डियो है, दैट वे यू लूज इवन मोर वेट, है ना। पढ़ाई तो इनको खाते भी होगे काफी सारा, वेट बढ़ गया तुम्हारा? अच्छा, दैट्स गुड, दैट्स गुड। आई आल्सो वाज वेरी वेरी थिन इन 11th, स्टिल 11th, एंड देन 11th ऑनवर्ड आई स्टार्टेड पिकिंग अप वेट लिटिल बिट, नॉट अ लॉट। कॉलेज में आके वापस खराब हो गया, मतलब वापस आई यूज्ड टू बी लाइक 60 61 केजी, फिर बढ़ना शुरू हुआ अच्छे से। ओके, तो फिर कैसा स्कूल में जो पढ़ा रहे तुमको, करंट इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ रहा है? यस अभी तक तो। सो वी शुड बी स्टार्ट, शुड वी स्टार्ट विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी? यू गाइस कैन आल्सो रिस्पोंड ऑन द क्वेश्चन। हां, कूल स्टार्टेड विद करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो प्रोज एंड कॉन्स बताता हूं मैम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से चालू करने का फायदा ये है कि तुम्हें पहले चार्जेस बेटर समझ में आएंगे, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बाद में थोड़ा सा बेटर रहेगा, क्योंकि इट्स अबाउट चार्जेस ओनली, राइट। कौन से दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए तुमको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए, स्पेशली इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अभी मैंने इंटीग्रेशन पढ़ाया है 11th क्लास में, उसका वीडियोस मैं शेयर कर दूंगा तुम्हारे साथ, बट आई थिंक नेक्स्ट टाइम आई एम टेकिंग इंटीग्रेशन इन 11th, उसमें प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारा, 2-3 घंटे का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का। आई थिंक यू गाइस शुड अटेंड दैट क्लास सो दैट यू बिकम वेरी कंफर्टेबल विद इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, एंड देन वील डू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। करेंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोज ये है कि it's easier than electrostatic. Current electricity is about again formula and little bit more than formula because you'll have to look at circuits and everything, but electrostatic jahan pe aayega wahan pe you'll have to get into Newton's laws, to tumhari mechanics bahut achhi honi chahiye for electrostatics to be good and even for magnetism to be good. सो हम ऐसे ही करेंगे, आई थिंक तुम लोगों की 11th की क्लास भी लगाते रहेंगे बीच बीच में, सो जो प्रेलिमिनरी क्लास है उसमें तुम्हें नहीं बुलाऊंगा मैं, बट जो एडवांस क्लास होगी 11th की, जहाँ पे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ पे आई थिंक आई शुड कीप कॉलिंग यू, बिकॉज दैट वे यू गाइज विल बी एबल टू रिवाइज ऑल्सो, और तुम्हारा 11th भी होता रहेगा ना फॉर नीट एंड जेई एंड एवरीथिंग, तो अच्छा रहेगा आई थिंक। हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट टू बी इन्वाइटेड टू 11th प्रॉब्लम प्रैक्टिस क्लासेस, रेज योर हैंड, उसके हिसाब से हमको शेड्यूलिंग देखनी पड़ेगी फिर। ओके, ऋत्विक, रिया, अनन्या, अमला, आर्यन, दीज पीपल हैव रेज्ड हैंड। एक और किसी ने उठाया? ओके ओके ओके, तो बात ओ सबने उठा दिया अभी। ओके ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली सिर्फ दो लोगों ने नहीं उठाया, अभिनव हैज जस्ट ज्वाइन। अभिनव, आई एम आस्किंग पीपल
how many of you would want to be invited to the problem practice of grade 11th raised hand. ठीक है, so हम तीन level पे problem practice करते हैं. एक तो problem practice होती है जब जो formula सिखाए उस पे, दूसरा जे mains और तीसरा जे advanced वाला. So if you want to be invited to the problem practice of 11th, raise hand and then I'll tell Ridhima to schedule it such that tumhari time pe clashing classes na ho. ठीक है, ठीक है, almost अपने हाथ उठाया हुआ है. तो विल सेंड एन इनवाइट, फिर जिसको आना है वो आ सकते हैं. ठीक है, तो अगली बार हम इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करेंगे. अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर देते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी. चलो, सिद्धार्थ सिंह फॉर डिफरेंशिएशन. ओके, आई थिंक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन विल गो हैंड इन फैक्ट इवन वेक्टर्स, आई वुड से इवन वेक्टर्स, क्योंकि अभी जब मैग्नेटिज्म आएगा ना तो उसमें वेक्टर्स बहुत आएगा, तो क्योंकि उसमें सब कुछ 3D पे चलेगा और उसके बाद उसमें जो भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो सब वेक्टर से ही होगा, यू नो. So if you are planning to write any competitive exam, then you need to be good with 11th and 12th to hum padh hi rahe hain. Theek hai, theek hai, we'll send you the invite. Aur agar tum nahi attend kar pate ho to bhi koi problem nahi hai, we are creating a video library of it which I can send you to watch. Theek hai, chalo. All right, so now we'll start current electricity. Ha, dum dum dum. ओके, क्या ठीक है, तो तुम्हारे स्कूल में कहां तक पढ़ा दिया? किरचॉफ लॉ तुमने बोला ना, वहां तक पढ़ा दिया. हाय आर्या, लॉन्ग टाइम नो सी मैन. लॉ खत्म कर दिया. हाँ, पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर देंगे जल्दी से. लॉन्ग टाइम नो सी आर्या. अच्छा, नेट इश्यूज. कहां पे हो यार तुम? बॉम्बे में हो, बाहर हो कहीं? कोलकाता में तो नहीं हो? उस पूरे बेल्ट में बहुत तकलीफ है. कूल, लेट्स स्टार्ट. ठीक है, तो वील क्विकली रन थ्रू दिस. यू नो व्हाट कंडक्टर इज, यू नो व्हाट इंसुलेटर इज. ठीक है, जो भी चार्जेस को फ्लो होने देता है वो कंडक्टर है. इट कुड बी पुअर कंडक्टर, इट कुड बी गुड कंडक्टर, राइट? बट अ पुअर कंडक्टर इज नॉट इंसुलेटर. तो इंसुलेटर फ्लो होने ही नहीं देता और कंडक्टर फ्लो होने देता है. ठीक है, देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड सेमीकंडक्टर. इन सेमीकंडक्टर द बिहेवियर लाइक एन इंसुलेटर एट लो लेवल्स ऑफ टेम्परेचर. द बिहेवियर इज लाइक एन इंसुलेटर एट लो दिस थिंग. बट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उसके इलेक्ट्रॉन्स मूव होने लगते हैं. ठीक है, so at higher temperatures it works as conductor. okay sir, ek question yahan pe bolo. apan ne padha tha h is equal to ir square 10th mein, so heat badhaoge to resistance badhna chahiye na. so semiconductor ka bhi, if you are increasing the temperature, the resistance should increase ideally. who will answer him? इतने साल मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, अब बताओ हु विल आंसर हिम. रेज हैंड इफ यू वांट टू आंसर हिम. रिपीट योर क्वेश्चन आर्यन गोदवाल सो दैट एवरीबॉडी कैन हियर. सर 10th में पढ़ा था एच इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर. सो पहली बात तो आई आर स्क्वायर, अगर हीट अपन ने बढ़ा, आई स्क्वायर आर टी था. हाँ सिद्धार्थ पंडित, करेक्ट. ठीक है, ओके. हाँ, सो टेक्निकली अगर अपन हीट को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है. सो सेमीकंडक्टर को हायर टेम्परेचर्स पे अपेरेंटली एक इंसुलेटर जैसे बिहेव करना चाहिए ना, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा हायर टेम्परेचर्स पे. अभिनव और मैं नाम अनम्यूटिंग यू आंसर हिम. सो इट्स बेसिकली द हीट एनर्जी व्हिच इज प्रोड्यूस्ड एंड आई स्क्वायर आरटी. सो व्हेन यू मेक चार्जेस फ्लो थ्रू अ हायर रेजिस्टेंस मटेरियल, more heat is evolved. It's not the h does not represent the temperature that you're increasing of the conductor. okay got it. So dekho, chalo theek hai, ekdam basic se chalu karte hain, bahut ekdam basic se. theek hai, suppose mere isliye thoda sa electrostatics hona zaruri hai. to suppose ye jo green color hai, this is a positive charge. theek hai, एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, अब ये बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ पे रख दिया. ठीक है, तो इसका क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इसकी, राइट? फील्ड क्या होती है, जहां वो फोर्स लगाएगा
उस फोर्स का इन्फ्लुएंस को हम फील कहते हैं, ठीक है. इट्स एन इमेजिनरी लाइन दैट वी क्रिएट टू शो कि कितना इन्फ्लुएंस होगा उस फोर्स का, ठीक है. तो जितना पास आओगे उतना स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा, क्योंकि पास में ज्यादा इन्फ्लुएंस है, राइट. दूर जाते जाओगे तो इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा, राइट. तो अगर ये भी पॉजिटिव है, ग्रीन ग्रीन इज पॉजिटिव, ठीक है. तो ये पॉजिटिव चार्ज मैं यहाँ पे रखूंगा तो इसमें फोर्स किधर लगेगा, आउट दूर की तरफ लगेगा कि अट्रैक्टिव लगेगा, रिपल्सिव लगेगा कि अट्रैक्टिव लगेगा, बताओ. रिपल्सिव लगेगा, रिपल्सिव, ठीक है. तो इसको अगर मैं छोड़ दूंगा फ्री तो धीरे 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 चला जाएगा इन्फिनिटी तक, है ना, ठीक है. यस सर. ओके, अभी अगर मेरे को इन्फिनिटी से इसको पास लेके आना है तो आई विल हैव टू अप्लाई फोर्स. यस सर. अभी अगर मैं इन्फिनिटी से उसको पास लेके आ रहा हूँ तो आई एम हैविंग टू अप्लाई फोर्स, प्लस देर इज मूवमेंट, सो देर इज डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क. वर्क, सो आई हैव टू डू वर्क. टू डू दैट वर्क आई हैव टू स्पेंड एनर्जी, बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी दैट आई हैव स्पेंट सिंस आई वर्क्ड ऑन दिस, एंड देयर इज नो अदर वर्क दैट वाज डन, देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नथिंग एल्स, देयर वाज नो अदर प्लेस वेयर एनर्जी वाज लॉस्ट. The energy that I spent got transferred into this as potential energy. तो कहीं पे भी मैं लेके आया इसको यहाँ तक, तो यहाँ पे इसके पास एक potential energy आ गई, right? Yes, अगर मैं छोड़ूंगा तो ये वापस kinetic energy में convert हो जाएगी दूर जाते हुए, है ना. तो ये जो potential energy आ गई, that potential energy divided by the amount of charge on this tells us what is the potential of that point. ठीक है, आया. Yes, sir. So the potential energy in this point divided by the amount of charge that we brought is okay. The potential of that point. So potential energy is equal to work done for bringing the charge from infinity to that point. Hai na? So potential of any point, electric potential of any point in this field is defined as the work done in bringing one unit charge, positive charge, one unit positive charge from infinity to this point. ठीक है, दैट इज द पोटेंशियल. यस सर. ठीक है, अभी बताओ ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. एवरीवन, देयर इज अ ग्रीन पॉइंट एंड देयर इज अ ब्लू पॉइंट. कहां पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, ग्रीन पॉइंट पे कि ब्लू पॉइंट पे? गिवन दैट दिस पर्टिकुलर ग्रीन थिंग इज पॉजिटिव चार्ज, ग्रीन पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा कि ब्लू पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, बताओ. सर डिपेंड्स कि ऑब्जेक्ट्स का चार्ज क्या है. नोप, इट डज नॉट डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट का चार्ज. रिया करेक्ट, जयवीर रॉन्ग, अभिनव करेक्ट. तो अभी मैंने क्या बोला, पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इज डिफाइंड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. तो अभी ये ब्लू पॉइंट इधर है, ग्रीन पॉइंट इधर है, तो कहां पे हमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ब्लू तक लाने के लिए कि ग्रीन तक लाने के लिए? ऑफकोर्स ग्रीन तक लाने के लिए, है ना, क्योंकि और मेहनत करनी पड़ी ना उसको यहां से लेके यहां तक ले जाने के लिए, और मेहनत करनी पड़ी क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, राइट. आर्यन गोतवाल. यस सर. ठीक है, तो ग्रीन पे ज्यादा पोटेंशियल है भाई, क्योंकि हमको ग्रीन तक ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, ब्लू तक थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ी, ग्रीन पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, है ना. तो ग्रीन पे ज्यादा पोटेंशियल है, ब्लू पे कम पोटेंशियल. ठीक है, तो अब ये दो पॉइंट्स है, दो पॉइंट्स है, यहाँ पे कम पोटेंशियल, यहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल है, यहाँ पे कम पोटेंशियल. ठीक है, इसका मतलब जब मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो किधर मूव करेगा, ग्रीन से ब्लू मूव करेगा कि ब्लू से ग्रीन मूव करेगा? सो सॉरी, इफ आई कीप अ पॉजिटिव चार्ज एट ग्रीन एंड एट ब्लू, द चार्ज विल मूव फ्रॉम ग्रीन टू ब्लू और ब्लू टू ग्रीन? सर ग्रीन और ब्लू दोनों ही पॉजिटिव है ना? नहीं नहीं मेरे भाई, अब तो ये दोनों पॉइंट हो गए, मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों पॉइंट है. ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट पे तो एक काम करते हैं, रुको. ओके, गिव मी अ सेकेंड, आई विल गेट सम टूथपिक ताकि कंफ्यूजन नहीं हो. ओके, ठीक है, ये है पॉजिटिव चार्ज, ये जो ग्रीन कलर का, अब से हम ग्रीन कलर की हर चीज को पॉजिटिव चार्ज मानेंगे. ठीक है, ये दोनों पॉइंट इंडिकेट करेंगे, पॉइंट्स इंडिकेट करेंगे. ओके, लेट मी रिड्यूस दिस. ओके,
ठीक है, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, किसका पोटेंशियल ज्यादा है, पॉइंट ए का कि पॉइंट बी का? पॉइंट ए का, पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट ए का ज्यादा है क्योंकि पॉइंट ए तक लाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है ना, तो पॉइंट ए लेके आया मैं उसको, और मेहनत करनी पड़ी फिर जाके पॉइंट ए तक आया, तो पॉइंट ए पे ज्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। अब अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को या ए पे रखूं या बी पे रखूं, तो पॉजिटिव चार्ज ए से बी जाएगा कि बी से ए जाएगा? ए से बी जाएगा, करेक्ट, ठीक है, तो ए से बी जाएगा, इससे हमको ये पता चलता है कि भाई पॉजिटिव चार्ज जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है, ठीक है। तो जब बैटरी होती है तो बैटरी में एक हायर पोटेंशियल एरिया होता है जिसको हम प्लस से डिनोट करते हैं, और लोअर पोटेंशियल एरिया होता है जिसको हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं, और दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल को हम बी से डिनोट करते हैं, तो बी ए माइनस बी बी विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ठीक है। ऑल दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन थिंग, अगर ये ग्रीन थिंग सीन से हट जाता तो कोई फील्ड ही नहीं होता, तो दोनों का पोटेंशियल कुछ नहीं होता, जीरो ही होता है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो होता, लेकिन बिकॉज देर इज अ ग्रीन थिंग इन द पिक्चर, देर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पोटेंशियल हो गया, अब पोटेंशियल के कारण चार्जेस मूव करेंगे, पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, है ना, तो पॉजिटिव चार्ज हायर से लोअर पोटेंशियल मूव करेगा, और नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कैसे मूव करेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देखूंगा तो ये तो अट्रैक्ट होगा इस तरफ, तो लोअर से हायर की तरफ मूव करेगा, सही बात है ना। अब जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है कि नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है? नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है ना, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो अगर हम एक ऐसी बैटरी बनाते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल से लेके पॉजिटिव पोटेंशियल तक जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन, हालांकि जब इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव तो करंट होएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि करंट इज ऑलवेज अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, लेकिन बैटरी में ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं हो कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करे, हो सकता है पॉजिटिव आयन ट्रैवल करे, है ना, हमने क्रिएट किया भाई पॉजिटिव आयन, तो पॉजिटिव आयन ट्रैवल करेगा डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल रिएक्शन इनसाइड द बैटरी, है ना। तो अब ये बैटरी के दो पॉइंट्स हो गए, ये बैटरी के दो पॉइंट्स हो गए। केमिस्ट्री में तुम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी है? नहीं सर। इक्विलिब्रियम पढ़ा? केमिकल काइनेटिक्स, हाँ इक्विलिब्रियम पढ़ा है। तो इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा कि जब वो होता है केमिकल रिएक्शन होता है तो देयर इज अ चार्ज क्रिएटेड ऑन बोथ द साइड, राइट? यस सर। प्रोडक्ट और रिवर्सिबल रिएक्शन, है ना, तो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो बहुत सारा प्रोडक्ट बन जाता है, और उसके बाद प्रोडक्ट वापस से कन्वर्ट होने लगता है रिएक्टेंट की तरफ, उसके बाद बीच में जाके ये बन जाता है, राइट? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब तुम पढ़ोगे उसके आगे तो तुमको ये भी दिखेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़िए सर? इलेक्ट्रिक सेल पढ़ा है सर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा ना एक चैप्टर कोई? नहीं वैसा कोई चैप्टर नहीं पढ़ा सर हमें। एनीवे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा तुम्हारे आगे होगा, या पता नहीं तुम्हें पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ, मैं बताता हूँ, तुम बताना मुझे तुमने पढ़ा है कि नहीं, कि जब इलेक्ट्रिक जब रिएक्शन होता है तो इट क्रिएट्स सर्टेन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, सो देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल दैट गेट्स क्रिएटेड इन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन, एंड दैट पोटेंशियल इज मेंटेन्ड इन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है। तो है ना, चाहे तुम मतलब रेट ऑफ रिएक्शन होता है फिर पोटेंशियल होता है, मुझे भी याद नहीं, मैंने भी 11th 12th में ही पढ़ा था, बट वापस हम पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा, बट बेसिकली इन अ रिएक्शन इज देयर अ रिएक्शन देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल दैट इज मेंटेन इन दैट रिएक्शन। तो इस बैटरी के अंदर हम रिएक्शन करके एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल मेंटेन कर सकते हैं। अब ये बैटरी हो गई, यहाँ पे हायर पोटेंशियल है यहाँ पे लोअर पोटेंशियल, तो इसको हम प्लस से दिखाएंगे इसको माइनस से दिखाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम एक वायर कनेक्ट कर देते हैं बाहर से ऐसे, है ना, ऐसे, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, लेकिन दोनों केस में ही जो करंट का डायरेक्शन होगा वो ए टू बी दिखाएंगे, नॉट इनसाइड द बैटरी, क्योंकि इनसाइड द बैटरी तो रिएक्शन चल रहा है जिसके कारण ये पोटेंशियल मेंटेन्ड है, आउटसाइड द बैटरी, ठीक है। अब जब ये वर्क हुआ, अभी यहां पे कितना पोटेंशियल है, जीरो, सपोज ये बैटरी है 10 वोल्ट की, ठीक है, यहां पे कितना पोटेंशियल है, जीरो, यहां पे कितना पोटेंशियल है, 10 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन को एक एक पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, अंदर कितनी एनर्जी लगी, 10 वोल्ट, हाँ है ना, 10 वोल्ट की, 10 जूल
लगी एक कूलम के लिए तो वो 10 वोल्ट का पोटेंशियल हो गया, 10 जूल लगा एक कूलम के लिए, ठीक है। अब हमने एक ऐसा करंट फ्लो किया जहां पे 10 कूलम निकला या 50 कूलम निकला, चलो 50 कूलम निकला, ठीक है, एक सेकंड में 50 कूलम निकला एक सेकंड में, हाँ। तो यहां से निकला और बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर ने हीट क्रिएट किया, जिससे हीट और लाइट क्रिएट किया, जिससे पूरी एनर्जी डेसिपेट हो गई। तो जब वापस यहाँ पे आएगा तो कितनी एनर्जी बचेगी इसके पास? जीरो। जीरो। तो कितनी एनर्जी डेसिपेट हुई होगी? पूरा 50 कूलम डेसिपेट हो गया। 50 कूलम तो चार्ज है और वोल्ट है 10 वोल्ट, तो कितना कितना एनर्जी डेसिपेट हुआ होगा गाइस? टेल ऋत्विक राजेश, करेक्ट। तो इस एक कूलम को यहां से यहां लाने के लिए हमको 10 जूल एनर्जी लगी ना, तो 50 कूलम को यहां से यहां लाने के लिए कितना जूल एनर्जी लगेगा? एक कूलम को लाने के लिए 10 जूल लगा तो 50 कूलम को लाने के लिए कितना लगेगा भाई? आर्यन सर 500 जूल। ठीक है 500 लगेगा ना, तो 500 जूल लगा। इसका फॉर्मूला इनफैक्ट कि वोल्टेज इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन विल बी वोल्टेज इनटू अमाउंट ऑफ चार्ज, वी इनटू क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे 500 जूल लगेगा, 500 जूल की एनर्जी मिली हुई है इन चार्जेस को, तो जब हम इनको डेसिपेट करेंगे तो 500 निकल जाएगा। तो वहां से वो वाला फॉर्मूला आया आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। सो दैट फॉर्मूला टॉक्स अबाउट व्हाट इज द हीट जनरेटेड इन सेमी कंडक्टर, व्हाट वी टॉकिंग अबाउट कि अगर हम उसको हीट देंगे, अगर किसी कंडक्टर को हीट देंगे तो जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है, अभी हमने पढ़ा था ना मॉडर्न फिजिक्स में, हम देते हैं उनको तो वो बाहर अपनी एक्साइट होते 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 बाहर के शेल्स में आते हैं, जितना शेल बाहर दूर रहेगा उनका बॉन्डिंग कम होते जाएगा, दे बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन, सो दे काइंड ऑफ बिकम अ कंडक्टर इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। बट एनीवे ये जो भी मैंने अभी पढ़ाया वो अगले दो पेजेस में ही होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत में ये सब होता है। ओके आ गया सबको समझ में? कैन यू प्लीज सेंड द रिकॉर्डिंग फॉर द लेक्चर ऑफ विच वन? सारी रिकॉर्डिंग्स एक यूट्यूब चैनल हमने बना दिया, उसमें डाल दिया, ठीक है, उसको मैं शेयर कर दूंगा। वैसे द वाई अकेडमी सर्च करोगे तो मिल जाएगा शायद, नया चैनल बना के उसमें हम सारे रिकॉर्डिंग्स डाल रहे हैं, तो तुम उसको वहां देख सकते हो, ठीक है अभी के लिए। ओके तो सेमीकंडक्टर इज दैट, ठीक है, करंट एंड करंट डेंसिटी। तो करंट का होता है फॉर्मूला आई इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, जितना चार्ज मूव किया एक सेकेंड में, ठीक है, दैट्स कॉल्ड करंट। तो डी क्यू बाई डी टी इज योर फॉर्मूला, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, नोट कर लो उसको, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ये बहुत यूज करेंगे हम। जब नोट करने में कहता हूं तुम्हारा नोट हो जाए ना तो हाथ उठा दिया करो, तो दो फायदे हो जाएंगे, मुझे पता रहेगा कि तुम एक्टिव हो, प्लस आई कैन मूव ऑन। किंगशुक आर्यन अमला, यू हैव नॉट रेज हैंड। आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, क्यू जो है एक्चुअली स्मॉल लेना चाहिए तुम्हें, स्मॉल क्यू इज चार्ज, कैपिटल क्यू इज एक्चुअली हीट, ठीक है। आर्यन नहीं बोला, आर्या बोला, आर्या भवलकर ने हाथ नहीं उठाया, आर्यन ने तो उठा दिया। ओके सबने उठा दिया एक्सेप्ट फॉर आर्या, आर्या आई एम होपिंग दैट इट्स अ नेटवर्क इशू एंड दैट यू नोटेड इट डाउन, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ करंट होता है एम्पियर, एक्सेप्टेड ऐसा यूनिट, ठीक है। चलो ये बताओ इसका करंट कितना होगा, इसका एग्जाम्पल वन, व्हाट इज द करंट एट 2 सेकंड, पटाख से बताओ, एकदम मुंह जबानी होना चाहिए। रॉन्ग ऋत्विक, रॉन्ग, अरे भाई हाँ ठीक है ठीक है, रिया रॉन्ग, ऋत्विक ठीक है, रिया रॉन्ग, ऋत्विक तुमने
यूनिट नहीं डाला, ठीक है, दैट्स व्हाई। रिया देखो क्या करना, dq by dt, तो dq by dt क्या होएगा, dq कितना हो, dq by dt इधर हो गया 4t plus 0, 4t है तो 2 सेकंड में निकालना, 8 एम्पियर खत्म ना, ओरल, ठीक है, 8 एम्पियर। We shall now define a vector component known as electric current density at a point. Electric current density at a point is a vector quantity. To define the electric current density at a point, we draw a small area delta S through P perpendicular to the flow of charges. If delta I is the current through the area delta S, the average current density. ये देखो ऐसे, ये है एक area, enclosed area, जिसका एरिया है ए, ठीक है, तो यहां पे अगर इसके थ्रू पूरा ये गया करंट, तो करंट डेंसिटी जो होगी वो है आई बाय एस, ठीक है, तो इसको नोट कर लो तुम, एस इज द एरिया, ठीक है, तो करंट डेंसिटी जे, करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डी आई बाय डी एस, एस इज द एरिया, डी आई बाई डी एस, ठीक है, नोट कर लो। क्या किंगशुक ने हाथ उठा दिया है, जे विच इज करेंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू डी आई बाई डी एस। सिद्धार्थ पंडित वेटिंग फॉर यू, अमला पाठक वेटिंग फॉर यू, ठीक है, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इफ करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन एरिया एस देन एंड इज परपेंडिकुलर टू इट, देन इससे एस हम निकाल सकते हैं ना, ओके खत्म। अगर ऐसे है टेढ़ा है तो तुम डेल्टा एस कॉस थीटा करके निकाल लोगे, ठीक है। नाउ लेट अस कंसीडर एन एरिया डेल्टा एस विच इज नॉट नेसेसरी परपेंडिकुलर, सो द नॉर्मल ऑफ द एरिया मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इसका जो नॉर्मल है ये इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विथ द करेंट, तो हो जाएगा एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा उसका प्रोजेक्शन है ना, अगर ऐसा एरिया है तो उसको करेंगे तो एस कॉस थीटा प्रोजेक्शन हो जाएगा उसका, तो एस की जगह एस कॉस थीटा हम यूज करेंगे, जे इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस कॉस थीटा, ठीक है। इफ द एंगल बिटवीन द नॉर्मल ऑफ द एरिया, नॉर्मल ऑफ द एरिया एंड द आई इज थीटा, नोट कर लो, अमला ने हाथ उठा दिया, ठीक है, जैसे आधे लोग हाथ उठा देंगे मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है, चलो गोइंग अहेड। फॉर अ फाइनाइट एरिया करंट, तो यहां से क्या आया देखो, आई इक्वल्स टू जे एस, राइट, जे डेल्टा एस, ठीक है, तो यहां से हो गया I equals to J delta S, so I equals to integral of vector J dot ds vector dot, क्योंकि delta S cos theta आ रहा है, तो so I equals to integral of J dot ds, I equals to integral of J dot ds, कहीं पे भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा प्लीज फील फ्री टू राइट ऑन द क्वेश्चंस एरिया। सो यहां पे बिकॉज दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट दिस इज स्केलर, ठीक है, सो आई इज अ स्केलर, जबकि दोनों जे भी वेक्टर है एस भी वेक्टर है, एस एरिया का वेक्टर नॉर्मल है उसका, है ना, और जे इज दी करंट डेंसिटी उसका भी उस तरफ ही है, जिस तरफ करंट उस तरफ ही उसका वेक्टर है, लेकिन आई जो है वो नहीं है, ओके ऑलराइट, चलो सॉल्व दिस क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन बीम हैज एन अपर्चर ऑफ 1 mm square, अ टोटल ऑफ ब्ला इलेक्ट्रॉन्स गो थ्रू एनी परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड, फाइंड ए द करंट एंड बी द करंट डेंसिटी, बहुत आसान सवाल, चलो फटाफट फटाफट फॉर्मूला लगाओ,
अरे आंसर दो, इतने इतना टाइम से आंसर नहीं हुआ। एरिया है तो एस है तुम्हारे पास, जे इक्वल्स टू आई बाय एस ना, खत्म। यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं पर सेकेंड, आई हो गया क्यू बाई टी, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये सब नहीं पता है तो बोलो, फिर मैं शुरुआत से पढ़ाऊंगा, ऐसा 10 में पढ़ा हमने। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा, इतना मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, है ना, इतना चार्ज हो गया, चार्ज अपॉन टाइम, टाइम तो पर सेकेंड ये तो हो गया, उतना फिर तुम्हारा करंट हो गया, है ना, करंट अपॉन एरिया इज करंट डेंसिटी, बस हो गया, ठीक है। सिद्धार्थ पंडित, चलो जिन लोगों से नहीं बना देख लो, टोटल चार्ज क्रॉसिंग अ परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन इन वन सेकेंड इज क्यू इक्वल टू एन इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है इंटू जितना इलेक्ट्रॉन है, वो हो गया ना, तो यहां से हो गया 9.6 इंटू 10 पावर माइनस 3 कूलम, ये हो गया इसका चार्ज। करंट है 9.6 इंटू 10 पावर माइनस 3 एम्पियर बिकॉज क्यू बाई टी, है ना, इतना कूलम पर सेकेंड, तो क्यू बाई टी चार्ज डेंसिटी, दिस अपॉन एरिया, जो 1 मिलीमीटर स्क्वायर का एरिया है लेकिन हमको उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिलीमीटर का 10 टू पावर माइनस 3, तो मीटर स्क्वायर मतलब 10 टू पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, है ना, तो ये हो गया, तो दिस इफ वी कैलकुलेट इट कम्स आउट टू 9.6 इंटू 10 टू पावर 3 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये उसका यूनिट है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, है ना, ऑफकोर्स इट्स अ नो ब्रेनर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सिद्धार्थ पंडित ने डाला है यूनिट, बाकी उन्होंने यूनिट ही नहीं डाला है, गुड सिद्धार्थ पंडित, ओके। ऋत्विक राजेश ने 10 टू पावर माइनस 9 एम्पियर क्यों है, नहीं ऋत्विक अभिनव का भी गलत हो गया, 9.6 इंटू 10 पावर माइनस 9 एम्पियर नहीं है ना अभिनव, कैसे एम्पियर तो 9.6 इंटू 10 पावर माइनस 3 है, और 9.6 इंटू 10 पावर माइनस 10 पावर अगली -3 और +3 है बस, हाँ तो 9.6 इंटू 10 पावर माइनस 9 या +9 तो कुछ भी कोई चीज नहीं आ रही, ठीक है, देख लो जो जो गलत किया देख लो, वो इन द क्वेश्चन इट इज 10 टू द पावर 10, हाँ द क्वेश्चन इज 10 टू द पावर 10 करेक्ट, 6 इंटू हाँ तो इधर 16 क्यों है, जो सिद्धार्थ पंडित तुम्हारा कैसे आया वो, हाँ सिद्धार्थ ऐसे गलत कैसे आ गया भाई, आर यू सीइंग दिस क्वेश्चन समवेयर एल्स, क्योंकि यहाँ पे तो इधर यहाँ दिया हुआ है 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे उसने ले लिया 10 टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दैट्स अ मिस्टेक इन द सॉल्यूशन, कूल, सो व्हाट यू गाइस गेव एज एन आंसर इज करेक्ट, रिया शर्मा ऑल्सो पॉइंटेड दिस आउट, गुड गुड रिया, कूल, ठीक है। ड्रिफ्ट स्पीड, तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है एक पोटेंशियल में, तो जिस टाइम वो करंट मूव हो रहा है तो जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसको कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है, तो बहुत ही कम होती है, वो एकदम स्नेल की स्पीड से मूव करता है, तो यहाँ बटन जलाते हैं, बटन दबाते हैं तो जो लाइट जलती है तुरंत जल जाती है, दैट इज बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, इट्स अ वेव, बट व्हेन वी एक्चुअली पुट इट द वे इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली मूव इज एट दिस स्पीड, इट इज एट 1 मिलीमीटर पर सेकेंड ऑलमोस्ट, ठीक है, बट यहाँ पे हम उसका फॉर्मूला शायद देखेंगे, देखते हैं ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला, तो देखो पढ़ लेता हूँ उसका थ्योरी में पढ़ लेता हूँ। अ कंडक्टर कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स विच वी कॉल फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, द रिमेनिंग मटीरियल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटिवली हैवी पॉजिटिव आयन्स विच वी कॉल लैटिस, ओके,
these ions keep on vibrating about their mean positions. Okay, the average amplitude depends upon the temperature. Correct. Temperature बढ़ाओगे तो amplitude बढ़ेगा, ज़्यादा energy आएगी उनके पास. Okay. No. Occasionally a free electron collides or interacts in some other fashion with the lattice. Okay. The speed and direction of the electron changes randomly at each such event. As a result, the electron moves in a zigzag path. टकरा के move कर रहे हैं. As there are large number of free electrons moving in random direction, the number of electrons crossing an area delta S blah 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 बहुत छोटा सा ही होता है. ओके तो ये ठीक है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू एल बाई टी डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो इफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अ डिस्टेंस एल इन अ वेरी लॉन्ग टाइम टी देन वी डी इज इक्वल टू एल बाई टी. ओके इफ टाउ बी द एवरेज टाइम between successive collisions, the distance drifted during this period is L equals to half alpha t tau square. Okay. What is alpha? हमने लिया ऊपर पहले. Okay. Cool. See. So when there is an electric field, यहाँ से लेते हैं. Zigzag path. As there is a large number of the number of electrons crossing an area delta S from one side very nearly equals the number of crossing from the other side in any given interval. So the electric current through the area therefore remains zero क्योंकि इधर से भी उतने आ रहे हैं, इधर से भी उतने आ रहे हैं. Okay. When there is an electric field inside the conductor, जब हम electric field आते हैं तो हर कोई एक तरफ ही move करता है. Okay. A force acts on each electron in the direction opposite to the field. Okay, the electrons get biased in their random motion in favor of the force. As a result, the electrons drift slowly in the direction. At each collision, the electron starts afresh in a random direction with a random speed, but gains an additional velocity v dash due to electric field. So, वो अपने आप तो move कर ही रहा है because उसके पास जो energy है. तो जहां टकराता है फिर वहां से वापस मूव करना शुरू करता है, लेकिन उतने टाइम में वो वी डैश एक्स्ट्रा गेन कर लेता है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड में उसने मूव किया, तो जो भी एनर्जी उसके पास आई बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. द वेलोसिटी वी डैश इंक्रीजेस विद टाइम एंड सडनली बिकम जीरो एज द इलेक्ट्रॉन मेक्स अ कोलिजन विद द लैटिस एंड स्टार्ट्स अफ्रेश विद अ रैंडम वेलोसिटी. एज द टाइम टी बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन इज वेरी स्मॉल, द इलेक्ट्रॉन स्लोली एंड स्टेडिली ड्रिफ्ट ऑपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड. ओके As shown in the figure, ऐसे तो फील्ड इस तरफ अप्लाई किया है, तो फील्ड इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन उल्टा मूव करेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है. ओके ओके बिकम जीरो एज द सक्सेसिव कोलिजन इज स्मॉलर स्लोली एंड स्टेडली ड्रिफ्ट ऑपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड. इफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट at a drift a distance of L, if it drifts a distance of L, itna distance kiya usne t time mein, so we can say Vd equals to L upon t. Okay, if tau be the average time between successive collisions, to ye kya ho jayega, S is equals to ut plus half at square. Theek hai, ut plus half at square yahan se aa gaya, aa raha samajh mein. तो एस यू टी यू जीरो मान लिया उसका हमने, हाफ ए टी स्क्वायर, तो एक्सेलेरेशन कितना होगा उसका, ये फोर्स कितना होता है, इसीलिए थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना था हमको. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज इज द फोर्स, फोर्स अपॉन मास इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन. ठीक है, तो एक्सेल फोर्स अपॉन मास, फोर्स कितना है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई इंटू कैपिटल ई, कैपिटल ई से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाते हैं, तो स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम, तो ये एक्सेलरेशन हो गया, इंटू टाउ स्क्वायर. ठीक है, तो ये डिस्टेंस आ गया तुम्हारा. तो ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल टू एल अपॉन टाउ इज इक्वल टू हाफ इंटू ब्ला इंटू दिस. ठीक है, तो ये इसको नोट कर लो, चलो जस्ट नोट दिस डाउन, और उसमें कोई चीज समझ में नहीं आई तो प्लीज पूछो.
Kalya note. काफी लोगों ने हाथ नहीं उठाया अभी. आर्यन सिंह, कैन यू डिस्क्राइब द एल वाला फॉर्मूला अगेन? ये वाला एल और ये वाला फॉर्मूला एल. देखो ये, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. इधर फील्ड लगाओगे तो उस पर फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा क्योंकि नेगेटिव है ना, क्योंकि ई जो फील्ड है वो तो पॉजिटिव के लिए, तो नेगेटिव के लिए उल्टे डायरेक्शन में लगेगा. फील्ड का मतलब होता है फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है. फोर्स अपॉन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, ठीक है. पर समथिंग फोर्स को हम फील्ड बोलते हैं, ठीक है. तो फील्ड अगर फोर्स अपॉन चार्ज है तो फोर्स इज इक्वल टू फील्ड इंटू चार्ज हो गया, है ना. फोर्स इक्वल टू फील्ड इंटू चार्ज. तो इस पे कितना फोर्स लगेगा एक इलेक्ट्रॉन पे? फील्ड ई इंटू चार्ज स्मॉल ई, ठीक है. तो ई इंटू ई फोर्स लगा. अगर इस पे फोर्स लग रहा है ई इंटू ई का, तो इस पे एक्सेलेरेशन कितना बनेगा? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास. तो फोर्स इज ई इंटू ई अपॉन मास ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, तो एक्सेलेरेशन हो गया है ना. अब डिस्टेंस ट्रेवल कितना होता है एक्सेलेटेड एक्सेलेरेशन में? डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला क्या है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अगर हम यू को जीरो मान ले, इनिशियल स्पीड को जीरो मान ले, तो एस इक्वल टू हाफ एक्सेलेरेशन इंटू टाइम स्क्वायर. सो ऑन एन एवरेज टकराने के बीच में, यहां चालू हुआ और यहां पे आके टकरा गया, और हर टकराने के बीच में उसको टाउ टाइम लगता है, टाउ, ठीक है, टाउ टाइम लगता है अगर, और टकराने के बीच का डिस्टेंस है एल, है ना. तो एल हमने कितना निकाला? हाफ अल्फा टी स्क्वायर, अल्फा इज द एक्सेलेरेशन. तो वहां से आ गया एल इक्वल टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर. अल्फा की वैल्यू, एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई ई ई अपॉन एम इंटू टाउ स्क्वायर. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया एल अपॉन टाउ, क्योंकि टाउ टाइम लगा एल को कवर करने में. एल अपॉन टाउ किया तो ए टाउ कट गया, है ना. तो सिर्फ ये बचा ई ई टाउ अपॉन टू एम, है ना. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू ई ई टाउ अपॉन टू एम. ओके, सो ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैपिटल ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. यस एग्जैक्टली. यहाँ पे नोट कर लो कि ई इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एम इज द मास ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है. एंड टाउ, वॉट इज टाउ? टाउ इज द मीन टाइम बिटवीन कोलिशन, ठीक है. टाउ इज द मीन टाइम बिटवीन ईच कोलिशन. ओके, इट इज प्रमोशनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टू द एवरेज कोलिशन टाइम, ठीक है. रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द ड्रिफ्ट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन. सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएंगे तो भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, लेकिन तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जीरो होगी, क्योंकि जितने इधर मूव कर रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन इधर भी मूव कर रहे हैं, ठीक है. रैंडम मोशन है तो नेट चार्ज जो फ्लो हुआ वो जीरो है, ठीक है. ओके, ऑल्सो द एवरेज कोलिजन टाइम इज कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन मटीरियल एट अ गिवन टेम्परेचर. ये लिख लो, एवरेज कोलिजन टाइम इज कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन मटीरियल एट अ गिवन टेम्परेचर. टाउ इज कॉन्स्टेंट, ठीक है. टाउ इज कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन मटीरियल एट गिवन टेम्परेचर. These things are important because ये कई बार reasoning में तुम्हारे लिए काम आ सकती है. Aryan is asking, so E will be given in the question. Yes, E will be given in the question. Aryan is asking, and tau will also be given. Yes, tau will also be given. Or another thing is, they can present a scenario where the same material is being used at the same temperature. ठीक है, तब tau जो है वो constant रहेगा. ओके, हो गया, कूल. वी देयरफॉर मेक द अजम्पशन, फॉलोइंग अजम्पशन फॉर आवर प्रेजेंट पर्पस ऑफ डिस्कसिंग इलेक्ट्रिक करंट. व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द कंडक्टर, द फ्री इलेक्ट्रॉन स्टे एट रेस्ट, ठीक है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो है. व्हेन अ फील्ड एग्जिस्ट दे मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिर्फ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी आ रही है किसी भी मटीरियल और टेम्परेचर के लिए, है ना. तो ई टाउ बाई टू एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, that can also be written as ke. k is a constant, e tau by 2m into e, theek hai, isko note kar lo. And this particular k will depend on the material and the temperature.
ठीक है, e tau by 2m into e. इन सब का मैं क्विजलेट बना के दूंगा तुमको ताकि ये सारे फॉर्मूले याद रहे बाद में. ठीक है, e tau by 2m into e, so basically it's directly proportional to e. इतना जानना है तुमको कि v drift velocity is directly proportional to e. ओके, लेट अस नाउ फाइंड रिलेशन बिटवीन द करंट डेंसिटी एंड द ड्रिफ्ट स्पीड. करंट डेंसिटी से रिलेशन निकाल सकते हो उसका? चलो देखते हैं. कंसिडर अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इन विच एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एग्जिस्ट. कंसिडर अ लेंथ वी डी डेल्टा टी ऑफ द कंडक्टर, है ना. तो एल वी डी इक्वल्स टू एल बाय डेल्टा टी, तो एल इज इक्वल टू वी डी डेल्टा टी. ठीक है, तो ये लेंथ हो गया कंडक्टर का. ओके, द वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन इज एरिया इंटू लेंथ, तो ए इंटू वी डी डेल्टा टी. इफ देर आर एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर, इफ देर आर एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो इतने में कितने होंगे बताओ? इतने में कितने होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन इंटू वॉल्यूम कर दो, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे तुमको, है ना. एन ए वी डी डेल्टा टी, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए. ओके, ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस द एरिया ए इन द टाइम डेल्टा टी, क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये पूरा टी टाइम में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स एरिया ए को क्रॉस कर. ठीक है, दस द चार्ज क्रॉसिंग दिस एरिया इन टाइम डेल्टा टी विल बी दिस होल थिंग इन टू ई, है ना, दिस होल थिंग इन टू ई, दैट इज अ चार्ज क्रॉसिंग, है ना. तो आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, तो डेल्टा टी इधर ले लो, तो ये हो गया फॉर्मूला, लिखो इसको. आई इज इक्वल टू एन, एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, बी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई इज द चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन. ओके, बहुत आसान है ये वैसे. ठीक है, एंड करंट डेंसिटी विल बी आई अपॉन ए, तो ये एन वी डी ई, एन वी डी ई, या फिर एन ई इंटू वी डी. सो एन ई हो गया चार्ज, एन क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो एनी क्या हो गया, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वीडी, वीडी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके ऋत्विक राजेश, टेल मी व्हाट इज योर क्वेश्चन, आस्क मी, आ जाओ माइक पे, अनम्यूट है. सर आई एम कंफ्यूज्ड, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दिस फॉर्मूला इज फॉर. दिस इज फॉर करंट ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो रही है, अगर तुमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है तो उससे हम करंट निकाल सकते हैं क्या? या अगर करंट पता है तो हम उससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या? तो उसके लिए हमने सिनेरियो लिया कि एक एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए. ठीक है, यहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं. अब हमने ये लेंथ ले ली, इतनी लेंथ कंडक्टर की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी विल बी द लेंथ, क्योंकि उतना ही लेंथ कवर करेगा डेल्टा टी टाइम में, है ना. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू डेल्टा टी, इतना लेंथ हो गया इसका. अब इतने लेंथ में सपोज कितने कितने चार्ज होंगे, कितना चार्ज होगा, उसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि भाई इतने में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है. उसके लिए हमको जानना पड़ेगा कुछ मटीरियल प्रॉपर्टी, उस मटीरियल के बारे में. तो मटीरियल प्रॉपर्टी होती है एन, एन हमारे हिसाब से हमने लिखा लिया हुआ जो वो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, दैट इज एन. तो एक वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इधर कितना वॉल्यूम है, लेंथ इनटू एरिया, तो इधर कितना वॉल्यूम है, ए इनटू बी डी इनटू डेल्टा टी, है ना. yes. है ना. तो इसमें बताओ कितना चार्ज होगा, इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा. एन ए बी डी इनटू ई, करेक्ट, वेरी गुड. इतने वॉल्यूम में होगा एन ई इनटू ए बी डी इनटू डेल्टा टी, है ना, इतना चार्ज. और ये चार्ज क्या है, ये चार्ज है यहां से चालू हुआ था और डेल्टा टी में यहां तक आया, मतलब इतना सारा चार्ज ये वाले एरिया को क्रॉस करके आया, है ना.
कितने टाइम में क्रॉस करके आया ये वाला चार्ज, इतना सारा चार्ज कितने टाइम में क्रॉस करके आया? करेक्ट, डेल्टा टी टाइम में इतना क्रॉस करके आया, ठीक है। तो आई निकाल सकते हैं चार्ज अपॉन डेल्टा टी करके, तो एन ई ए वी टी, एन ई ए वी डी डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी करेंगे तो हो जाएगा एन ई ए वी डी, है ना। तो ये हो गया करंट एन ई ए वी डी, और करंट डेंसिटी क्या होता है आई अपॉन ए, तो ए भी हटा दो यहाँ से, एन एन ई वी डी, है ना। तो पहले हम लिखा था एन ई ए वी डी फॉर करंट और आई अपॉन ए विच इज जे, जे इज इक्वल टू एन ई वी डी, हो गया। ओके सर, नोट कर लो। नोट कर लोगे ये पूरा तो हाथ उठा देना और नोट कर लो कि ये है क्या क्या। हाँ, व्हाट इज एन, एन इज नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ एन इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये मैंने जूम आउट कर दिया इसको, ठीक है। तुम खुद जूम कर करके देख सकते हो उसको, अपने उधर खुद जूम करके देख लेना। नोट हो जाएगा, हाथ उठा देना। और ये जो भी डेरिवेशन हम करते हैं ना, एक दिन छोड़ के, जैसे आज हमने किया तो कल या परसों ये डेरिवेशन खुद से करने की कोशिश करना, तभी जाके ये चीजें बहुत क्लियर होंगी। नहीं तो अभी तो समझ में आ जाएगा तुमको, लेकिन फिर बाद में याद नहीं आएगा हाउ टू अप्रोच। एंड एवरी टाइम यू डिराइव दिस योर ब्रेन विल गेट अ स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क। ओके, अमला, जस्मीन, किंगशुक एंड सिद्धार्थ आर पेंडिंग। ठीक है, डन। ओके, लेट्स मूव अहेड, वी आर गोइंग टू डू अ क्वेश्चन, होपफुली आ गया सवाल। चलो, बहुत सारे यूनिट्स को तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा इधर, अच्छे से करना, गलती मत करना। गिव मी द करेक्ट आंसर।
किसी ने आंसर नहीं दिया यार, ऐसे कैसे? अच्छा ऐसा तो नहीं कि तुमने आंसर दे दिया, मेरे पास दिख नहीं रहा कुछ मेरे को। अच्छा अगर तो माने आंसर टाइप, हाँ भी आया है कुछ। नहीं जसलीन रॉन्ग है। देखो आई का फॉर्मूला क्या था, NeaVd है ना, हमको क्या निकालना है, वीडी निकालना है, तो आई अपॉन NeA हो गया है ना। तो आई है 1 अपॉन N, कितना है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब नहीं चाहिए हमको है ना, पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए, तो 1 मीटर क्यूब चाहिए। कॉपर इज 8.5 × 10^22, तो उसको और थोड़ा चेंज करोगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना है, तो उधर कितना होएगा, 10^-6 से और 10^6 ऐड हो जाएगा, तो 8.5 × 10^28 हो जाएगा है ना N। फिर E की हो गई 1.6 × 10^-19, मल्टीप्लाई नीचे है ना, N E और A। A है क्रॉस सेक्शन 2 मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर हो गया 10^-6 मीटर स्क्वायर है ना, तो 2 × 10^-6। तो ये सबको करो, कुछ आएगा आंसर। आर्यन गोथवाल करेक्ट। ऋत्विक राजेश थोड़ा 10^10 में गड़बड़ दिख रहा है। अनन्या करेक्ट। अभिनव करेक्ट। नहीं अभिनव रॉन्ग, सेंटीमीटर नहीं होगा वो। नहीं, एक्चुअली अभिनव यार पता नहीं, अभिनव करेक्ट है या अनन्या करेक्ट, उनमें से एक करेक्ट एक रॉन्ग है। यू हैव टू सी, देख लेना जब मैं आंसर दिखाऊंगा तो। रिया शर्मा करेक्ट। आई थिंक अभिनव इज रॉन्ग इन दिस केस। ठीक है आंसर इज दिस, देख लो। ठीक है ओके रिया करेक्ट, जयवी करेक्ट, सिद्धार्थ करेक्ट, या जयवीर ने करेक्ट कर लिया बाद में, गुड। जस्मीन करेक्ट, ठीक है गुड हो गया। ऑल राइट लेट्स मूव। सो क्लियरली बहुत छोटा है और ये 1 एम्पियर करंट के लिए, ऑब्वियसली तुम इसको करंट बढ़ाते जाओगे तो यहाँ पे तुमको ड्रिफ्ट ज्यादा मिलती जाएगी ना। 15 एम्पियर नॉर्मली हम बहुत ज्यादा होता है, एसी वगैरह यूज करते हैं बहुत, उसमें 15 एम्पियर का हम सॉकेट यूज करते हैं, तो 15 एम्पियर इज सपोज टू बी लाइक रियली हाई अपने घर पे, इंडस्ट्रियल में और ज्यादा हो। 1 एम्पियर के लिए ऑलमोस्ट इतनी स्पीड से चल रही है, वो भी कॉपर, कॉपर में इतनी स्पीड से कॉपर में चल रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है ओके, सो दिस गिव्स अस अ सेंस। चलो अब आते हैं ओम्स लॉ पे, बहुत ही आसान सा लॉ है। क्या है ओम्स लॉ, चलो सब लोग लिख के बताओ मेरे को फटाफट। बताओ भाई, अभिनव करेक्टेड इट, ऋत्विक ऑल राइट, आर्यन, जयवीर गुड। ठीक है सो अब जो हमने, अब 10 में तुमने ओम्स लॉ पढ़ा था, अब हम देखेंगे कि आया कैसे ओम्स लॉ। ठीक है एंड व्हाई दी साइंटिस्ट आर गुड, बिकॉज दे एक्चुअली फिगर इट आउट राइट। ओके सो ठीक है, तो जे का फॉर्मूला है हमारे पास एन ई वी डी है ना, तो
ये कहां से आया, ये हमने जे का फॉर्मूला ये वाला भी निकाला था ना, रिमेम्बर ऊपर जे का फॉर्मूला निकाला था हमने इधर, कहां निकाला था ये वाला फॉर्मूला? ये कहां से आया ये वाला फॉर्मूला बताओ मेरे को, हाँ यहाँ पे वीडी पे डालो तुम, ठीक है वीडी के वैल्यू जो ये वाली है इसको डाल दो यहाँ पे, यहाँ पे तो हो जाएगा n इंटू ई इंटू वीडी का फॉर्मूला हो गया ई टाउ बाई टू एम ई, ठीक है ठीक है गुड। हाँ तो काफी अलग सारे लोगों ने लिखा भी है वीडी की वैल्यू डाल दो, करेक्ट ठीक है। तो यहाँ पे हमने वीडी की वैल्यू डाल दी, तो वीडी की वैल्यू डाल के आ गई जे इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन टू एम इंटू ई, ठीक है यहाँ पे ये पूरा कांस्टेंट है एक मटेरियल के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो जी जे इक्वल टू सिग्मा ई, ठीक है नोट कर लो इसको। J इक्वल टू सिग्मा ई, एंड सिग्मा डिपेंड्स ओनली ऑन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड इट्स टेम्परेचर, ठीक है तो कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल J इक्वल टू सिग्मा ई, where sigma is the electrical conductivity of the material. तो जो electrical conductivity है उसका opposite होता है resistivity. तो resistivity equals to 1 upon sigma is equal to 2m upon n e square tau. ये वाले फॉर्मूले तुम्हें याद करने हैं, रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू वन अपॉन कंडक्टिविटी, ठीक है ये वाला कर लोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो भी चलेगा, डिराइव कर सकते हो। आई ऑलवेज बिलीव इन डिराइविंग बिकॉज बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं, कॉन्फिडेंस तब रहता है जब तुम्हें लगता है कि तुम डिराइव कर सकते हो, बट आई थिंक आजकल के जमाने में बेटर टेक्नोलॉजी है, यू कैन गो ऑन क्विजलेट, याद भी कर सकते हो हमारी मत, जल्दी आंसर आ जाएगा याद करोगे तो, ठीक है। रो इक्वल टू वन अपॉन सिग्मा इक्वल टू टू अपॉन टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। ओम्स लॉ टेल्स अस दैट द कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग इन द मटेरियल, दिस इज वैलिड फॉर कंडक्टर्स ओवर अ वाइड रेंज ऑफ फील्ड, तो कितना भी फील्ड लगाते रहो उसकी नॉर्मल कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी सेम रहती है। तो सपोज वी हैव अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, लेट अस अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस वी between the ends of the conductor, the electric field inside the conductor E is equal to V by L. ऐसा क्यों हुआ? Equals to V by L क्यों हुआ? बताओ कौन बताएगा? Who can explain to me this formula? Equals to V by L क्यों हुआ? के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना चाहिए, बट अभी जो मैंने समझाया था क्लास की शुरुआत में उससे भी आंसर आ जाएगा। इक्वल्स टू वी बाय एल क्यों हुआ भाई? ओके आर्यन गोथवाल बताओ, और किसी से पूछते हैं? रुको अनन्या कम इन, अभिनव रेज हिज हैंड बट लेट्स गेट समवन एल्स, अनन्या कम इन, अनन्या कोई बात नहीं, अनन्या इफ यू डोंट नो इट डजंट मैटर ना, मैं तुम्हारे तुम्हारे अंदर से आंसर निकालूंगा, आ तो जाओ। कम कम दैट्स व्हेन इट्स बेस्ट ना, तुम्हें अभी नहीं पता है, तुमको लग रहा है तुम्हें नहीं पता लेकिन है तुम्हारे अंदर आंसर, अनम्यूट एंड कम। आई हैव माइक इश्यूज, ओके कम जसलीन, यस सर।
तो ये एक्सप्लेन कर सकते हो मुझे E equals to V by L क्यों हुआ? नहीं सर. V क्या होता है? V is L by T. Drift velocity. नहीं नहीं नहीं, this is not drift velocity, this is voltage. ये लिखा ना potential difference V between the ends of the conductor. This is the potential difference. तो potential क्या होता है? The work done in bringing a charge. ठीक है, work done bringing one unit charge. Yes sir. E क्या होता है? Electric field. F by E. हाँ, force in one charge. Yeah. Force on one unit charge is E, and work done on one unit charge is V, and force into distance is W. Yes sir. अगर L को ऊपर लेके जाओगे तो force per unit charge into distance is equal to work done per unit charge. Okay. आ गया? तो E into L is equal to V. है ना? Okay. अगर वो L के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसका मतलब जितना फोर्स लगा इनटू दैट डिस्टेंस उतने का पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रहा हूँ तुमको, है ना? Yes, sir. आ गया सबको समझ में? ओके, सो बेसिकली वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज V एंड फोर्स पर यूनिट चार्ज इज E. तो फोर्स इनटू L इज गिव्स अस W, है ना? तो फोर्स इनटू L अपॉन चार्ज इज इक्वल्स टू W अपॉन चार्ज इज इक्वल्स टू V. तो वहां से फॉर्मूला आ गया. ठीक है, तो E इक्वल टू V बाय L हो गया. तो यहाँ पे कहीं है, हाँ ये देखो, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V, है ना? इसको हमने यहां से कनेक्ट कर दिया. तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है E, और वही हो गया E इक्वल टू V बाय L, है ना? E इक्वल टू V बाय L हो गया. इफ द करंट इन द कंडक्टर इज I, द करंट डेंसिटी इज I बाय A. ओम्स लॉ दिया हुआ है J इक्वल्स टू सिग्मा E. तो सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा E. E इज इक्वल टू V बाय L. तो सिग्मा V बाय L हो जाएगा ना. I बाय A इक्वल टू सिग्मा V बाय L. ये हो गया I बाय A इक्वल टू सिग्मा V बाय L. यहां से हो गया, है ना? और V इज इक्वल टू, अब इसको एक तरफ ले जाओ तो हो जाएगा 1 बाय सिग्मा L बाय A. आई आ रहा है कुछ कुछ? तो 1 बाय सिग्मा को हम लिखते हैं, सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी. तो 1 बाय सिग्मा क्या हो जाएगा? रेजिस्टिविटी. तो रो रो एल बाय ए वी इक्वल्स टू रो एल बाय ए इंटू आई, है ना? और दिस होल थिंग इज कॉल्ड, ये रेजिस्टिविटी है, तो दिस होल थिंग इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. वी इक्वल्स टू आई इंटू आर. यहां से फॉर्मूला आया. ठीक है, इसको मैं जूम आउट कर रहा हूँ, नोट कर लो एक बार. उसके बाद अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मेरे को पूछ लेना. ठीक है, आई डू नॉट वॉन्ट यू टू सी दिस, सो आई डोंट नो हाउ टू डू. हाँ, एक्चुअली आई कैन डू दिस. ओ, ये वाला फॉर्मूला तो किया नहीं, नहीं क्या हो? कोई बात नहीं, दिख जाएगा तो दिख जाएगा. चलो इसको नोट कर लो, और इसमें जो नहीं समझ में आया हो मेरे को पूछ लेना. ठीक है,
हो गया, अगर हो जाए तो हाथ उठा दो। क्या काफी लोगों ने हाथ उठा दिया है? ठीक है, ऑलराइट, कूल, डन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। V equals to I, आया कहां से? अभी हमने देख लिया, फिर R is the resistance and 1 by R is called the conductance, ठीक है? Sigma is the conductivity and 1 upon sigma which is rho is the resistivity, ठीक है? Okay, so the unit of resistance is ohm, denoted by ohm, denoted by omega, and object conductivity have a resistance. ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला R इक्वल टू रो एल बाई एम, ठीक है? क्या यूनिट और रेजिस्टेंस? ओके, तो ये लोड नोट कर लो, R इक्वल टू 2 एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। Where m is the mass of electron, n is the number of electrons per unit volume in that material, e is the charge on each electron, tau is the mean collision time, l is the length of the resistor, a is the area of the resistor. ठीक है, इसको नोट करो। Ananya is asking, R and rho are the same thing? No. R is the resistance, rho is the resistivity. So, पहले नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ R और rho में क्या डिफरेंस है। काफी बोलना पड़ता है यार। Siddharth has raised hand. Okay, who else is done? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो Ananya was asking if R and rho are the same thing. So no, rho is the resistivity as it's written here. Rho is the resistivity, whereas R is the resistance of a resistor. ऑफ दिस रेजिस्टिविटी जिसका एल लेंथ है और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो ये हमने 10 में भी पढ़ा था, बट वी कैन डू दिस अगेन कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ाते जाओगे रजिस्टर की, उतना रजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और जितना जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करते जाएंगे उतना रजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अभी इसको पानी की तरह सोचो कि पानी अगर जा रहा है एक पर्टिकुलर यू नो क्रॉस सेक्शन से, उस पानी को अगर अगर हम और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करते जाएंगे तो उसको और रेजिस्टेंस मिलता जाएगा ना, और जितना बड़ा करेंगे उतना पानी आसानी से जाएगा, जस्ट लाइक दैट। और जितना लंबा होगा उतना रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो दैट एंड दैट इट। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटीरियल, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटीरियल प्लस इट्स लेंथ प्लस इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज फॉर कॉपर at 25 degree centigrade, ठीक है? तो it's not going to change, कितना भी लंबा तुम रेजिस्टेंस ले लो, लेकिन रेजिस्टर का लेंथ जितना चेंज करोगे उतना चेंज होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। L is a length along the direction of current, A is a cross section perpendicular to direction of current, N is the number of free charges per unit volume, ठीक है? Tau is the time between collision, it's also called relaxation time, m is the mass of electron, ठीक है? ठीक है, चलो। अरे बड़ा ही रद्दी सवाल है, बट ठीक है, कर लो। चलो, फॉर्मूला लगाना है बस, ये इसको घर पे करना, चलो ये बेकार सवाल है। R इक्वल टू रो एल बाई ए लगाना है बस, कैलकुलेट करना, ठीक है? छोड़ो उसको। हाँ, ये कुछ अच्छा लग रहा है।
Okay, so dimensions of a conductor of a specific resistance rho are shown below. Find the resistance of the conductor across AB, CD. ठीक है चलो ये सवाल करो फटाफट ये दिस विल गिव यू अ प्रॉपर कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टिविटी चलो करो सवाल हालांकि आसान है ये सवाल भी बट करो कांट सी किंगशुक से इस कांट सी बाकियों को भी नहीं दिख रहा क्या ये लो छोटा कर देता हूँ थोड़ा ये अभी दिख रहा है क्या करो चलो फटाफट आई विल बी बैक इन 30 सेकेंड्स डू इट ओके तो ऋत्विक राजेश हैज रिटन समथिंग तो बेसिकली तुम्हें इसमें बस एल और ए फाइंड करना है कि एल कितना होगा और ए कितना होगा ठीक है तो अपने अपने आंसर देख लो इधर सही है तो देख लो गलत है तो देख लो रो एल बाय ए अलग अलग जगह पे एल और ए चेंज होता रहेगा है ना तो इधर देख लो और अपने अपने आंसर मैच कर लो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं कूल
All right, next question. A portion of length L is cut out of a conical solid wire, okay. Conical solid wire, okay. Two ends of this portion have circular cross sections, right, of radii R1 and R2. R2 is greater, ठीक है, तो एक R1 छोटा हुआ या R2 बड़ा हुआ ऐसे. It is connected lengthwise to a circuit and a current I is flowing in it. The resistivity of the material of the wire is rho. Calculate the resistance of the considered portion and the voltage developed across it. Beautiful. Chalo. Aayega maza. Aage integration. Integration. Dekho. कैसे करोगे? Come on. लगाओ दिमाग, सोचो. रो एल बाय ए, ठीक है. अब तुम्हें देखना है कि एक छोटे से पार्ट का अभी क्या. अनदर थिंग दैट यू नीड टू नो इज कि सीरीज में है ना ये सारे जितने छोटे 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 पार्ट्स बनेंगे अब इसके प्रस्थम के, है ना, छोटे 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 पार्ट बनेंगे सबका ऐड होते जाएगा. तो बेसिकली इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा तुमको, लेकिन वो छोटे से पार्ट का पहले तुमको रेजिस्टेंस निकालना है. चलो मजा आएगा ये सवाल करने में. अगर तुमको इंटीग्रेशन ठीक से आता है तो ये सवाल बनेगा, नहीं आता तो नहीं बनेगा. नहीं आता तो फिर मेरी अगली वाली क्लास इंटीग्रेशन की अटेंड करो ग्रेड 11 पे. बहुत अच्छा सवाल है यार, करो ना. अच्छा किस किस से नहीं बन रहा, हाथ उठा दो. दो इसके गिवन आपकी नहीं बन रहा मेरे से तो हाथ उठा दो ताकि मैं तुमको थोड़ा हिंट दे दूं. ओके, किसी ने हाथ नहीं उठाया, कूल. आर्यन, अमला, दो लोगों ने हाथ उठाया तो कोई बात नहीं, ट्राई मारो. देखो फिगर कैसा दिखेगा, काट दिया उसको, है ना. उसके बाद बेसिकली छोटा इधर छोटा एक सर्कल है उसका, उसके बाद ऐसे करके हो रहा है और इधर बड़ा सर्कल है ना, यहाँ से करंट फ्लो होना उसको. तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका एरिया चेंज होते जा रहा है ना. लेंथ अपॉन रो एल बाई ए होता है तो एरिया उसका चेंज होते जा रहा है. तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, सोचो करके देखो. आई विल गिव यू 5 मिनट्स टू डू दिस एंड आफ्टर दैट आई विल कम अप विद एन आंसर. चलो आई विल गिव यू 5 मिनट्स, टेक योर टाइम. ये लो हिंट ले लो. यार बहुत सारा दिखाना पड़ रहा है. ठीक है, ऐसा है ये हिंट. अब यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट ले लो, इसका इतना बड़ा छोटा सा पार्ट
इस तरफ पे ले लो x है ना, x है ये लेंथ, इसको x ले लो, तो dx छोटा सा एक dx लेंथ ले लो, उसका कुछ रेडियस निकलेगा तुम्हारा इधर से, तो उस dx पे एरिया और उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो dr बनेगा, तो उतने का रेजिस्टेंस उतने लेंथ का रेजिस्टेंस dr, तो dr इक्वल्स टू रो l बाय a, तो रो l हो गया dx अपॉन a, a कितना है पाई r स्क्वायर, r कितना है यहां से निकालो ये वाले फॉर्मूला को यूज करके, करो भाई अच्छा ऋत्विक राजेश का तो सही आंसर आ गया। ऋत्विक राजेश ऐसे फोटो खींच के भेजो मेरे को अपनी कॉपी का, इस पे ग्रुप पे भेजो कैसे सॉल्व किया, लेट मी सी। कोई बात नहीं, मैसी तो क्या हुआ, या फिर अच्छे से कर लो, चलो इट्स ओके, अच्छे से कर लो, मैसी है तो ठीक से कर लो, ठीक से करके फोटो भेजो मेरे को। एक्चुअली एवरीवन शुड सेंड अ पिक्चर वंस दे डू दिस क्वेश्चन, कोई भी लंबा सवाल आएगा तो आई विल आस्क यू टू सेंड अ पिक्चर ऑन द ग्रुप। इसमें इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर इंटीग्रेशन नहीं आता तो प्लीज अटेंड करो कल, कल नहीं मतलब अगले हफ्ते, जब गिव अप कर दो तो हाथ उठा देना, और अगर आंसर आ जाए तो उधर आंसर लिख देना, ठीक है। तीन लोगों ने गिव अप कर दिया अभी तक, I'll wait for some more time. Actually, I'll do it and show it to you guys. That way you'll understand better. ओके पीपल आर आस्किंग मी व्हाट इज व्हाट, ओके फिर आदमी मैं बताता हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है, नहीं बनेगा तो गिव अप कर रहे हो तो हाथ उठा देना, जब मेजॉरिटी लोग हाथ उठा देंगे तो मैं सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है।
Ritvik, you said you send the solution, no? Okay. ऋत्विक मतलब ये तो बहुत सारे लेवल्स पे गलत है ये वाला सोल्यूशन, और तुमने जो मेरे को यहाँ भेजा था दैट वाज डिफरेंट सोल्यूशन, मतलब डिफरेंट आंसर. नहीं एक्चुअली यू हैड रिटन आर टू माइनस आर वन, आई हैड रेड इट एज आर टू इंटू आर वन, तो ये सोल्यूशन गलत है ऋत्विक. और या मतलब अगर इंटीग्रेट भी करोगे उसमें लिमिट डालोगे तो ऐसा नहीं आएगा, वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन आर वन आएगा वो, ठीक है, ऐसे नहीं करते लिमिट्स, बट वो वैसे भी गलत है. एंड यू डोंट इंटीग्रेट लाइक दिस, ऐसा नहीं है. अच्छा हुआ आई आस्क्ड यू फॉर दिस, नाउ आई कैन करेक्ट इट प्रॉपरली. गिव अप कर रहे हो तो हाथ उठा दो, और किसी का आंसर आ रहा तो आंसर लिख दो इधर. बाय द टाइम वी आर डन विद दिस क्वेश्चन तुम लोगों को काफी कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है. चलो हियर इज द आंसर, आई एम एक्सप्लेनिंग इट यू, ठीक है. अब मैं द प्रॉब्लम इज कि इसमें मैं सोल्यूशन कैसे खुद से बनाना पड़ेगा. चलो you tell me the question, somebody come in, Riya come in, I'll talk to you, come. Hello, are you muted, Riya? Let me unmute you. Unmute, come Riya. Yes sir. Hi. Can you see my, oh, I have not shared my screen. Okay, wait, I'll share. Okay. Now, explain to me the question. Ek ek line padho, phir main idhar draw karte jaunga. Chalo, bol. Yeah. Oh, achha, tumhare paas sawal nahi hoga. Ah, okay. Okay. Can you take a screenshot of this? I'll show you the question. Take a screenshot and then read this question to me. Done? Guys? Hello? Riya, are you there? Riya is muted again. Unmute Riya. Riya, are you there? Yes, sir. Hi. Can you see this question? Can you take a screenshot and then read this back to me? Yes. Okay. Done? Taken screenshot? Chalo. Yes, sir. Okay. You sound very different. I don't know why. Chalo. Let's do it. Okay, read the question. A portion of length L
is cut out of a conical solid wire. The two ends of this portion have circular. हाँ तो बेसिकली इसका एक ऐसा है साइड, ठीक है, और वो कोनिकल वायर था, तो कोनिकल ऐसा होता है ना, तो इधर जाता है ऐसे पूरा कोनिकल है ना, ऐसे यहाँ तक राइट, तो इसको हमने काट लिया, तो अब यहाँ पे ऐसा बचा, ठीक है ना, गॉट इट. अब इसका लेंथ कितना है, एल, ओके, ठीक है, ओके, आगे बढ़ो. द टू एंड्स ऑफ दिस पोर्शन हैव सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस ऑफ रेडियाई आर वन एंड आर टू, वेयर आर टू इज ग्रेटर देन आर वन. तो ये है आर वन और ये है आर टू, आर टू इज ग्रेटर देन आर वन, ठीक है, ओके, फिर It is connected lengthwise to a circuit and a current I is flowing in it. ठीक है, तो यहाँ से इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो ये करंट I ऐसे जा रहा है, ठीक है, फिर The resistivity of the material of the wire is rho. Calculate the resistance of the considered portion and the voltage developed. Okay. Cool. तो अभी मैं ये बना रहा हूँ, ये देखो ये वाला पार्ट, ठीक है, ये इतना सा पार्ट है लाइक दिस, ठीक है, ठीक है, अभी इसको जूम इन करके इसको एक छोटा सा इसका लेंथ ले लेते हैं यहाँ पे, इतना सा dx, ठीक है, इतना सा लेंथ ले लेते हैं, वैसे आ जाएगा इसका, है ना, ठीक है रिया? Yes sir. So we get a, तो एक हमको इतना सा इसका एक कंडक्टर मिला अभी, ठीक है, या इसको ऐसे कलर कर देते हैं, चलो इट विल बी इजियर राइटिंग लाइन, तो ये जो कंडक्टर बना इसका कुछ लेंथ होगा, इसका कुछ वो होगा रेजिस्टेंस, है ना, ठीक है, तो इतना सा कितना लेंथ है, ये तो डीएक्स लेंथ है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डीएक्स लेंथ है, तो दिस इज डी एक्स लेंथ, कितना, ठीक है, तो ये जो स्मॉल सा हमने बनाया डी एक्स लेंथ का, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, कितना होगा, डी आर रेजिस्टेंस होगा इसका, डी एक्स लेंथ का डी आर रेजिस्टेंस है ना, इसका रेजिस्टेंस है डी आर, ठीक है, गॉट इट. अभी इसके पहले भी होंगे छोटे 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 छोटे, उसके बाद भी होंगे छोटे 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 छोटे, ये सारे सीरीज में ही है ना, इस साथ तो ऐड हो जाएंगे, तो डी आर वन प्लस डी आर टू प्लस डी आर थ्री प्लस डी आर फोर प्लस डी आर फाइव ऐसे ऐसे करके ऐड होते जाएंगे, है ना, डी आर वन लाख डी आर टू लाख डी आर फाइव लाख, है ना, तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, अगर पूरा आर निकालना हो तो हम जीरो से लेके एक्स को जीरो से लेके यहाँ एल तक इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, लेकिन पॉइंट ये है कि यहाँ पे इसका रेडियस चेंज होते रहे, तो हमको देखना है कि रेडियस एक्स पे कैसे डिपेंड कर रहा है ना, तो अभी देखो ये लेंथ सपोज यहां से यहां तक इसकी लेंथ थी एक्स, यहां से यहां तक, तभी तो क्या आगे हमने dx लिया है ना, ये लेंथ थी x, इसको हमने dx लिया, अभी इसका जो रेडियस होगा ये वाला, ये रेडियस ये x पे कैसे डिपेंड करेगा, कैन यू टेल मी गाइस, कैन यू कैलकुलेट ये रेडियस, सपोज ये रेडियस है r, ठीक है, तो कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ r, बताओ हो जाएगा ना, देखो ये R1 है, इतना तो R1 हो गया है ना, जो इतना था ये देखो ये पार्ट R1 हो गया है ना,
और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ये यहां से निकल जाएगा थीटा से, ये अगर थीटा है और ये एक्स है तो यही थीटा तो यहां आगे तक जाता ना, गेटिंग इट? हेलो, यस सर. रिया आर यू देयर? यस सर. तो देखो टैन थीटा जो है, टैन थीटा इज इक्वल्स टू, ये पूरा लेंथ है एल और ये है आर टू, तो आर टू बाई एल कर सकते हैं इसको, है ना, इज इक्वल्स टू ये लाल वाला एरिया कितना है, आर माइनस आर वन, ये पूरा आर है माइनस ये आर वन, तो इसको लिख सकते हैं आर माइनस आर वन अपॉन एक्स टैन थीटा, है ना, गॉट इट? यस सर. ओके, तो यहां से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, हमको आर चाहिए था ना फाइनली, तो आर की वैल्यू निकालते हैं, तो देखो आर टू एक्स बाय एल प्लस आर वन इज इक्वल टू आर, ये आ गई वैल्यू आर की, तो आर इज इक्वल टू करो आर टू बाय एल एक्स प्लस आर वन, ठीक है ना, आर की वैल्यू आ गई, ठीक है, गॉट इट? यस सर. तो ये छोटा सा जो एरिया, जो छोटा सा डी आर है, डी आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डी आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, रो एल बाय ए, है ना, तो इसका रो तो कॉन्स्टेंट है, चाहे वो छोटा डीएक्स का हो या पूरा का हो, तो ये तो रो हो गया, एल कितना है इसका, छोटा सा डीएक्स है, क्योंकि इसका लेंथ कितना है सिर्फ डीएक्स अपॉन ए, ए कितना है पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू ये है ना, इसको आर टू एक्स आर वन एल अपॉन एल ऐसा कर देते हैं, तो ये जाएगा रो अपॉन पाई ये डीएक्स, और ये आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो इतना समझ में आ गया? हाँ रिया? हाँ यस यस. ओके रिया, यू साउंड वेरी डिफरेंट, लाइक आर यू श्योर, मतलब यू आर रिया ओनली? हाँ पता नहीं सर. हाँ पता नहीं सर. सीमली डिफरेंट. ओके अच्छा, पता इफ यू आर रिया और नॉट? डैम. ओके ठीक है, चलो लेट्स टेक इट. तो ये देखो अब यहां से ले लेते हैं इसको, तो सेम चीज यहां पे की है इसने, ठीक है, ये tan theta is equal to r2, ये r2 minus r1, tan theta equals to r2 minus, इनफैक्ट हमने गलती की थी, हमने tan theta का, tan theta को r2 upon l ले लिया था, r2 upon नहीं, l नहीं है tan theta तो ये r2 minus r1 upon l है ना, तो यहाँ से हो गया tan theta equals to r2 minus r1 upon l, तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई, ठीक है, a की वैल्यू आ गई है pi r square, ओके. अब dr की वैल्यू जो छोटी सी dr हमने निकाली थी वो हो गया रो l बाय a, तो रो dx बाय r स्क्वायर, तो इसको कैलकुलेट करने से बेसिकली ये आया, ठीक है, तो r कितना होगा, जब जीरो x की वैल्यू जीरो थी तो r की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि उस टाइम पे तो कुछ नहीं था उधर, फिर x धीरे 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 बढ़ता गया अपना, यहाँ x r जब x जीरो था तो यहाँ कुछ नहीं था, तो धीरे 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 बढ़ते जा रहा है x, तो सब कुछ वो ऐड करता जाएगा इंटीग्रेशन, कहाँ तक ऐड करना उसको, जीरो से लेके l तक, है ना, तो r को हमने लिया इंटीग्रेशन जीरो से लेके l तक, और r बन जाएगा जीरो से लेके कैपिटल R तक, है ना, तो बस हो गया. अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा भाई, ये किस फॉर्म में है, dx अपॉन a प्लस बी एक्स टू दी पावर n, है ना, dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a प्लस बी एक्स टू दी पावर n के फॉर्म में है,
ठीक है, तो इसका हो जाता है तो इधर n कितना है, माइनस टू है क्योंकि ऊपर रहेगा ना, तो ये n माइनस टू, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, a प्लस बी एक्स टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन इंटू बी, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो इस वो फॉर्मूला लगाया तुमने तो ये आ गया। ठीक है, तो ये यहां से आ गया बिकॉज माइनस टू प्लस वन हो गया माइनस वन अपॉन माइनस वन इंटू आर टू माइनस आर वन, तो अपॉन माइनस वन इंटू आर टू माइनस आर वन, ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से बेसिकली कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अभी इसको नोट करो, इसको नोट कर लो, और जहां पे नहीं समझ में आया मेरे से पूछ लो एक बार फिर से। चलो, सो हाउ डू आई गिव यू दिस विदाउट हैविंग टू, तो पहले इतना पार्ट नोट करो, तो पूरा ही हो गया इनफैक्ट। ठीक है, खुद से ही नोट कर लो ये लो। ठीक है, नोट कर लो, और जहां पे समझ में नहीं आया मेरे से पूछ लो। ये क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे सवाल बहुत आने वाले हैं अब आगे। तो अभी नहीं समझ में आया तो अभी पूछ लेना, तभी आगे के सवाल बनेंगे। ठीक है, जस्मीन यू हैव अ डाउट आस्क, सिद्धार्थ पंडित यू हैव अ डाउट आस्क। आर्यन गोदवाल आया समझ में? अभिनव बन गया? ओके, अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू क्रिएटिंग दैट इक्वेशन फॉर इंटीग्रेशन एंड देन सेकेंडली इंटीग्रेटिंग इट करेक्टली, राइट? दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू टेक दैट स्मॉल स्मॉल थिंग जिसके लिए तुमको पूरी इक्वेशन बनानी है। स्मॉल थिंग होएगा तो हर चीज dx, dr इन सब चीज पे रहेगी, और जैसे ही dx, dr वगैरह आ गया तुम उसको इंटीग्रेट करके बड़ी चीज के लिए बना सकते। नोट कर लो, जब नोट हो जाए तो हाथ उठा दो। आर्यन बुधवाल सर, इट्स अ लिटिल ब्लरी, कैन यू जूम इन अ लिटिल, इट टर्न्स पिक्सेलेटेड व्हेन आई जूम इन। ओके, कौन सा पार्ट जूम करूं, इधर लेफ्ट वाला कि राइट वाला? लेफ्ट, ओके। समझते हुए नोट करना, ऐसी अपने आप से मत नोट करना, इनफैक्ट खुद से सॉल्व करते रहो, जहां पे अटकोगे उसको देख लेना। आज का आखिरी सवाल है तो आराम से टेक योर टाइम डू इट, आराम से समझना बहुत जरूरी है इसको। अमला यू हैव अ डाउट यू कैन आस्क मी, तुम्हारा हाथ रेस दिख रहा है।
जब हो जाए लेफ्ट वाला तो बता देना, फिर मैं राइट वाले पे ले जाऊंगा। Okay, raise your hand once you're done with the left part, and I'll take you to the right part. अभी इतने सारे लोग और कर रहे हैं क्या? अभी भी हो जाए तो हाथ उठा दो भाई। अच्छा जितने लोग का नहीं हुआ स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है डन। चलो अभी आगे का पार्ट है ये, उसको इंटीग्रेट कैसे करोगे ये। कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लो। हो जाए तो हाथ उठा देना। तो अब बेसिकली ग्रेड 12 की फिजिक्स चालू हो रही है, ठीक है? यहाँ से चीजें बस इट्स गोइंग टू गेट मोर एंड मोर डिफिकल्ट। मैग्नेटिज्म इज गोइंग टू बी इवन मोर डिफिकल्ट। सो जो जहां पे डाउट हो उस टाइम पे उसको क्लियर कर लो। धीरे धीरे भले ही चलेंगे हम, बहुत स्पीड लेने की जरूरत नहीं है, बट लेट्स गो स्लोली। बट इंश्योर दैट एनी टाइम देयर इज एनी डाउट प्लीज आस्क, गेट इट वेरी क्लियर, ताकि अगला वाला सवाल बेटर बने। ठीक है raise your hand once you get done.
ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीबडी इज डन, तो ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो इसका. ऑलराइट, अभी मैंने सबका नीचे कर दिया. अब ये सवाल अगर तुमको समझ में आ गया पूरी तरह विदाउट एनी डाउट, एकदम समझ में आ गया तो हाथ उठाओ. ऑलमोस्ट आधे लोगों ने हाथ उठाया, आधे ने नहीं उठाया. ओके, सो पीपल हैव नॉट रेज्ड हैंड आर आर्यन, जस्मीन, जस्मीन अब फिर उठाने लगे. अरे अगर नहीं उठाया तो कोई बात नहीं ना, बता दो मेरे को क्या डाउट है, देन वी कैन क्लियर दैट डाउट. ठीक है, काम करो, आई हैव गिवन यू द सॉल्यूशन, टेक सम टाइम, थिंक अबाउट इट. ठीक है, अगली क्लास में let's start with the same question again. I'll ask you to do a similar kind of question and acha rahega. To abhi jaise 2 ghante ki class li thi, I think agle baar se 3 ghante ki leni padegi, so that momentum bana rahe. All right, attend my integration wala class in grade 11th next time, so that things like this is just, isme to sirf integration tha, aur kuch tha hi nahi, hai na, isme actually current to tha hi nahi, sirf integration tha. To integration aayega to aadhi physics bahut aasan ho jayegi. Theek hai, chalo. All right guys, so bye bye, take care, have fun, we'll see you next week, bye. Quit out hai kisi ko, let me just read. Nanya says understood, okay, people are saying thank you, good, all right, cool, all right, bye bye.